आज हम मैथ्स के 1.3 पे बात करेंगे। 1.1 और 2 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को 1.1 या 1.2 में मसला है तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो को जाकर दोबारा से देख सकता है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। आज हम 1.3 पे बात करेंगे। सो 1.3 में सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कि कौन सी दो मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल हैं एक दूसरे में ऐड होने के लिए। तो बच्चों एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि कोई भी दो मैट्रिसेस वो वाली होंगी जिनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। कौन सी होंगी? जिनका ऑर्डर सेम होगा। दो मैट्रिसेस ऐड तभी होंगी अगर उनका आपस में ऑर्डर मैच करेगा, अदरवाइज वो आपस में ऐड नहीं होंगी। इसकी ज़रा डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे, आपको ज़रा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ आ जाएगी। ज़रा देखें इसकी, ये जैसे यहाँ पे देखें, कहता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। कहता है ए और बी अगर वो मैट्रिसेस हैं तो वो दोनों आपस में ऐड तब कब होंगी जब उन दोनों का, इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम है तो मतलब वो वाली मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं, ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकती। सो जैसे कि आप देखें इस क्वेश्चन में भी देखें कि उसने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, तो कौन कौन सी दो मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकती हैं। जैसे आपने बताना है, सॉल्व नहीं करना। तो जैसे आपने देखें ए का ऑर्डर क्या है, टू रोज हैं और टू कॉलम्स हैं, और ई का ऑर्डर क्या है, टू रोज हैं और टू कॉलम्स हैं। मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो मतलब ए और ई का ऑर्डर आपस में सेम है, तो मतलब ए और ई आपस में कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। इधर से आपको एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे देखें बी में, देखें बी के नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो, और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद क्या है, वन। इसी तरह डी में देखें नंबर ऑफ रोज की तादाद क्या है, दो, और कॉलम्स कितने हैं, एक। तो मतलब बी और डी आपस में कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। तो सिंपली आपको एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आपने इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, किसी भी चीज का इनवर्स वो होता है कि जिसको अगर उसमें ऐड किया जाए तो वो उसका रिजल्ट जीरो आए। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ, बुक पर लिख लेता हूँ कि अगर टू है हमारे पास लिखा हुआ है, तो टू में मैं क्या ऐड करूँगा कि इसका आंसर जीरो आए। ऑब्वियसली मैं इसमें -2 ऐड करूँगा तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसी का नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे सेम इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहता है इस मैट्रिसेस का आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, इनका आपने क्या निकालना है, नेगेटिव निकालना है। तो सिंपल हम इनका नेगेटिव निकालेंगे, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर वन का हम डी पार्ट सॉल्व करते हैं, इसका एक एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। मैंने यहाँ पे अलग से जो है वो लिख के रख दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। सो देखें यहाँ पे डी लिखा हुआ है, हमने इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पे देखें तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ डी। तो नेगेटिव ऑफ डी हम पहले पढ़ चुके हैं, वो किस तरह निकलता है बच्चों, जस्ट नेगेटिव निकालना है अपने, हम इसको इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फिर इस नेगेटिव को अंदर अप्लाई कर देंगे, तो अंदर हर एक वैल्यू का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 था, -1 हो गया, -3 था, 3 हो गया पॉजिटिव वाला, 2 था और -2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 0 ही रहेगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह आसानी से एडिटिव इनवर्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे डी का एडिटिव इनवर्स जो है हमारे पास आ चुका है। सेम इसी तरह यहाँ पे देखें एक और मैट्रिक्स है, मैं अगर इसका निकालना चाहूँ तो देखिए मैं इसका एक ही स्टेप इस तरह से भी निकाल सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ 8 इस तरह से निकलेगा, हर एक वैल्यू का साइन चेंज कर दी। जैसे प्लस में थी -3 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगा, ये पर -1 था तो 1 हो जाएगा, ये भी -2 का हो जाएगा। तो ये आसानी से आप एक स्टेप में भी आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह ये मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो आसानी से आप इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे पूछा हुआ है उसने आपको ए बी सी डी चार मैट्रिसेस दी हुई हैं, आपको कहता है देन फाइंड, आपने ये मैट्रिसेस निकालनी है, मतलब ए मैट्रिक्स ने वो, तो ये बहुत आसान है, आप सबको ये आता होगा। जैसे यहाँ पे देखिए उसने जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ए की जगह पे मैट्रिक्स लिखने की जगह पे उसका नाम लिख दिया है, कहता है आपने ये फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए की जगह पे उस मैट्रिक्स को पुट कर देंगे और उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हम यहाँ पे ना इसके एक दो क्वेश्चन जो है वो करके सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए
पहले पहले देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। हम इसका सॉल्व करेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे होते हैं, और अगले वाले पार्ट इसका इसके सेम इसी तरह के अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसका भी बाद में ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका फर्स्ट ऑफ 5 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, हमने पहले उसका ए प्लस जिस मैट्रिक्स को आपस में पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में उसका ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये भी मैं बताऊंगा इजीली ये भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस ए की जगह पर उस मैट्रिक्स को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या आएगा, माइनस वन टू टू वन, ये प्लस वाला साइन वैसे का वैसे, तो ये टू वाली मैट्रिक्स एज इट इज जो है वो नीचे आ जाएगी। तो बच्चों ये देखें हमने ये क्या करना है, दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो वो क्या होगा, फर्स्ट वाली एंट्री में ऐड हो जाएगी। किस तरह से, यहाँ पे देखें माइनस वन प्लस वन, सेकेंड वाली एंट्री में ऐड हो जाएगी टू प्लस वन, थर्ड वाली में टू प्लस वन, तो फोर्थ वाली में ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों मिलके अब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पे देखें माइनस वन और वन जीरो हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, वन प्लस वन टू। तो बच्चों ये आपके पास मैट्रिक्स आ चुकी है, आपने मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। तो ये आसानी से आप किसी भी दो मैट्रिक्स को इस तरह से ऐड कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स की जगह पे उसकी वो जो मैट्रिक्स थी उसको पुट करेंगे, उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सेम इसी तरह से उसने बोला हुआ है टू ए फाइंड करिए। तो बच्चों टू ए किस तरह से निकालेंगे, बहुत ईजी है। इसी तरह से टू ए आपने निकाला ना, देखिए टू अपनी जगह पे रहेगा, तो ए की जगह पे हम उसकी मैट्रिक्स जो हमें दी हुई थी वो पुट कर देंगे। इसकी मैट्रिक्स क्या दी हुई थी, ये देखें ये वाली मैट्रिक्स, तो इसको पुट कर देते हैं, माइनस वन टू टू वन। तो बच्चों आपको नजर आ रहा है यहाँ पे चूंकि प्लस था हमने ऐड कर दिया था, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है टू इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टू को हर एक वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब माइनस टू, टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, टू टू वन ज़ा टू। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी ईजिली सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, ये भी उसे सेम उसी तरह का, इसमें भी क्या कहता है, परफॉर्म द इंटीग्रेटिंग ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन उसने दिए हुए हैं मतलब प्लस माइनस वाले, इसको आपने सॉल्व करने हैं, तो सेम उसी तरह से आपने करना है। जैसे यहाँ पे देखें इन दोनों मैट्रिक्स को पहले हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो एक मैट्रिक्स बनेगी उसमें भी हम ये वाली मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे। अगर किसी को मसला हो तो वो हमें पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में बता पूछ सकता है, हम आपको उनके आंसर जो है वो सॉल्व करके बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है ए प्लस बी और सी, ये तीन मैट्रिक्स दी हुई हैं, कहता है आपने ये चीज़ें प्रूव करनी है, मतलब वेरीफाई करनी है। वेरीफाई का मतलब है बच्चों इनका आंसर आपस में सेम आना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे देखें हमने ए प्लस सी, ए और सी को आपस में ऐड करेंगे और सी प्लस ए को आपस में ऐड करेंगे, इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाएगा तो मतलब हमने वो चीज़ प्रूफ वेरीफाई कर दी है। इसका भी हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे, हमें हम इसका सॉल्व करते हैं ये सबसे लास्ट वाला पार्ट, बाकी चूंकि इजी आपको लगता होगा लास्ट वाला मुश्किल होता है, तो मैम सबसे लास्ट वाला पार्ट इसको सभी से आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। हमें दो मैट्रिक्स दे दी हैं उसने ए और बी, हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। बच्चों वेरीफाई करने के लिए आपने एक ही याद रखनी है, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, बाद में आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। जब दोनों सॉल्व कर लेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आपस में आंसर लाजमी तौर पर इक्वल आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है इसकी, टू ए प्लस टू बी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू ए प्लस टू बी। बच्चों टू लिख दिया मैंने, ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा आप बताएं मुझे, ए की जगह पे उस मैट्रिक्स को लिखूंगा, जैसे यहाँ पे लिखे ये मैट्रिक्स हमें दी हुई थी वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन जीरो ब्रैकेट वन प्लस टू। बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, जो भी ब्रैकेट हमें दी हुई बी की जो मैट्रिक्स दी हुई थी वो लिखूंगा, वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री। तो देखें मैं इसको अभी हमने पीछे भी सॉल्व किया, अभी भी इसको अंदर जस्ट मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, टू माइनस वन ज़ा माइनस टू, टू जीरो ज़ा जीरो। ऐसे थे इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन ज़ा टू माइनस टू टू, फोर माइनस फोर फोर, सिक्स टू एंड सिक्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स आ चुकी हैं, हमने इन दोनों को क्या करना है आपस में ऐड करना है, तो उसको आपस में ऐड करते हैं उसे सेम उसी तरह से पहले वाले मैट्रिक्स की तरह, फर्स्ट वाली एंट्री में फर्स्ट वाली एंट्री ऐड करेंगे, फिर बाद में इसमें
इसको ऐड करेंगे 4 में से, उसको ऐड करेंगे चूंकि उसको वो माइनस में था तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 6 + 2 4 + 4 6 - 4 2 + 4 बच्चे माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आपस में इनको ऐड करेंगे ना, तो ये और साइन ऑलरेडी माइनस में था वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसी तरह में माइनस आ रहा है। इसी तरह 2 + 6 - 2 + 2 और 0 + 6 वो हम इसको देखें, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, सॉरी 6 नहीं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये 0, 6 + 2 8, ये भी हो जाएगा 8, सॉरी ये 6 हो जाएगा, तो ये 0 + 6 6 हो जाएगा। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड इजीली सॉल्व कर ली है। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे, वो किस तरह से सॉल्व करेंगे ये भी देखते हैं। अब आएंगे राइट हैंड साइड पे, वो क्या था 2a + b, तो देखिए 2 अपनी जगह पे, a प्लस बी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, a क्या आती है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0 प्लस बी को लिखूंगा यहाँ पे 1 - 1 1 2 - 2। बच्चे ये देखिए मैं ये वाली मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ना, ए और बी वाली मैट्रिक्स यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, -2 2 3 1 3। बच्चे यहाँ पे जो आपने गलती करनी है वो ये वाली है, मुझे पता है आपने गलती करनी है, तो ये गलती आपने नहीं करनी, पूरे क्वेश्चन को आपकी ये गलती पूरा क्वेश्चन जो है ख़राब कर देगी। वो क्या गलती है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपने एक और ब्रैकेट लगानी है ये वाली इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखिए वो किन जगह पे बाय बड़ी वाली ब्रैकेट, आप देखिए मैं इसको ज़रा डायरेक्ट कर लूँ क्योंकि आपको ऐड करना आ गया है, तो मैं ज़रा डायरेक्ट कर लेता हूँ 1 + 1 2 2 + 2 में से -1 निकालेंगे 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 - 2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 - 1 + 1 0 0 + 3 3। अब आगे हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल इस वाली 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, तो देखिए करते हैं 2 + 4 4 2 + 8 4 2 + 8 2 1 + 2 2 1 + 2 2 0 + 0 4 2 + 8 3 2 + 6 3 2 + 6। तो बच्चे यहाँ पे देखें हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसका आंसर आया ये वाला, हमने ऊपर देखें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमारा आंसर आया ये वाला। देखें क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, सेम है ना, बस हमने सॉल्व कर दिया, हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। इसके नीचे आपने लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके नीचे आप हम लिखेंगे अब कि हमने 2a + 2b = 2a + b के इक्वल वेरीफाई कर दिया, हमने प्रूव कर दिया, तो ये हम नीचे लिख देंगे, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 की जाने पर, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कहते हैं। ए और बी आपको दी हुई है मैट्रिक्स, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 3a पहले फाइंड कर लेंगे, फिर 2b फाइंड कर लेंगे, और फिर उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, कहते हैं आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चों ए और बी की यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम प्रॉपर पीछे 1.1 में चले जाएंगे। 1.1 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो सेम इसी तरह का था कि आपने ये हमने वैल्यूज फाइंड की थी ए और बी की, तो सेम उसी तरह का यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसको भी ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं, बहुत ईजी है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखिए हमने उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया, तो देखें कि उनने मल्टीप्लाई ऑर्डर है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 4 2 8 - 6 2, यहाँ पर ये ए लिखा हुआ ए से मल्टीप्लाई होकर 2a हो जाएगा। मैं बच्चों को जो पहला रीराइट वाला स्टेप है ना वो छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद लिख लीजिएगा। अब इस तरह 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 3 3 8 = 24 ये 3 - 3 हो जाएगा 3 4 - 12 = यहाँ पर लिखा हुआ है 7
18, 10 और 1। अच्छा, ये सॉल्व करने से पहले बच्चों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए 4 प्लस 3, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट वाली एंट्री में ऐड कर देंगे ना, तो 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 2a माइनस 12। अगेन वही बात, ये तो नाम में माइनस इसलिए आता है क्योंकि वो अगले वाली वैल्यू जो है वो माइनस में होती है, इसलिए अदरवाइज दरम्यान में प्लस में ही होता है। ये वाली मैट्रिक्स को हम एज इट इज नीचे उतार देंगे। तो देखिए 4 प्लस ये हो जाएगा 12, सॉरी 12 नहीं, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा, ये चूंकि एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 12, वैसे के वैसे रहेगा क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है a और b, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। बच्चों ये सेम 1.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया कि आपने ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होती हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होती हैं। मतलब जो पहली पोजीशन पे एंट्री लिखी हुई है अगली मैट्रिक्स में भी पहली पोजीशन पे वही लिखी होनी चाहिए, जो थर्ड वाली पे लिखी हुई है अगली में भी थर्ड वाली एंट्री पे वही लिखी होनी चाहिए। तो मतलब जो यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है और जो यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है, ये दोनों एंट्रीज भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना। तो हम यहाँ पे इसको उठा के आपस में इक्वल कर देंगे, इस वाली एंट्री को इस वाली एंट्री के इक्वल कर देंगे और सेम ही इस वाली एंट्री को इस वाली एंट्री के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 3b यहीं पे रहेगा, a2 सब जाके माइनस हो जाएगा, 3b ये रहेगा 2 और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास b की वैल्यू बच्चों निकल चुकी है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2a 12 सब जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 13 आ जाएगा यहाँ पे और a जाके 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 13/2। तो आपने a और b की वैल्यू इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर ली है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके 1.3 के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख लें क्योंकि ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आता है। कहते हैं कि a और b आपको एक मैट्रिसेस दी हुई है, कहते हैं आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ट्रांसपोज हम किस तरह से लेते हैं। आपने a और b का पहले ऐड करना है और फिर उनका ट्रांसपोज लेना है और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसमें आपने ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लेने के बाद उनको आपस में ऐड करना है और फिर दोनों का आंसर आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हम इसको जरा इजीली सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी जो है हमारा इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सो मैं इसको मैंने शायद लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ मैंने, हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, ये मैं दो मैट्रिक्स बी दी हुई है, ये मैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ, ये वाला हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, ये देखें। पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बच्चे यहाँ पे देखें, आप क्या करेंगे, पहले एक बड़ी सी ब्रैकेट डालेंगे इस तरह से, इसमें लिखेंगे मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या थी, ये वाली 1 2 0 1, प्लस बी क्या थी 1 2 1 0। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये ब्रैकेट ये इस तरह वाली होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ए वाई डाली है, यहाँ पे इस वाली ब्रैकेट होनी चाहिए और ऊपर क्या डालेंगे हम ट्रांसपोज। तो हम इसको पहले आपस में ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो ट्रांसपोज इवन मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, वो आप खुद कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस हमने काफ़ी दफ़ा कर लिया हुआ है। अब मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में लिख दिया था ना, आप इसको पहले लिख लिया करें। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम हम बना देंगे। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, ट्रांसपोज खत्म हो गया, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसकी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, उसको भी ज़्यादा लिख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में। आप लिखेंगे वो क्या थी, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले मैं ए लिख लेता हूँ, ए क्या था हमारे पास 1 0 2 1 ट्रांसपोज प्लस बी क्या था हमारे पास 1 1 2 0 ट्रांसपोज। दूसरे ये मैंने ऊपर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, मैंने उनकी वैल्यूज यहाँ पे नीचे लिखी है,
तो अब देखें, मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दूंगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दूंगा, प्लस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ये देखें, यहाँ पर देखिए 1+1 क्या होगा, 2। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1+1 फर्स्ट वाली एंट्री को फर्स्ट वाली एंट्री में हम ऐड करेंगे, सेकंड वाली को सेकंड वाली में, थर्ड वाली को थर्ड वाली में, और फोर्थ वाली को फोर्थ वाली में ऐड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1+1 क्या होता है, 2+1 3, ये रहेगा 2, ये रहेगा 1। तो कुछ यहाँ पर देखें, हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर आपस में देखें सेम हो गया ना, सेम आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर, कि ये आपने नीचे लिखना है, A+B का ट्रांसपोज जो है वो आपका इक्वल आ गया, A+B, ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये आपको आई होप सो के समझ आ चुकी होगी। बच्चों इसका जो लास्ट वाला ये वाला टॉपिक है ना, कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो ये हम अगली वीडियो में शॉर्ट छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें जस्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को डिस्कस करेंगे। तो जो बाकी पार्ट्स मैंने अभी छोड़ दिए हैं, उसको आप तब तक आप प्रैक्टिस करें। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।